नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम के साथ अक्सर हमारे बच्चों को सर्दी और जुकाम की शिकायत होती है। इसका मुख्य कारण उनकी लो इम्यूनिटी है। तो चलिए आज जानते हैं उन 3 प्राणायाम के बारे में जिनकी मदद से हम अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास भरेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे लाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर नोज। आज का हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में धीरे धीरे हम श्वासों को छोड़ते हैं और अपने पेट को अंदर आता हुआ महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा पूरा ध्यान कपालभाति के दौरान एक्सहेलेशन पर होना चाहिए। कपालभाति को हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। और हमारा तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट ब्रीदिंग। इसमें ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम वेरी स्लोली इनहेल करें एंड एक्सहेलेशन शुड आल्सो बी वेरी स्लो। धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल को करना है। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। Inhale and exhale through your right. Again, inhale through your right and exhale through your left. And repeat. जिस नाक से हम exhale करते हैं, वापस उधर से ही inhale करते हैं। अनुलोम विलोम भी हमें एटलीस्ट 3-5 मिनट्स बच्चों को करवाना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 प्राणायाम जिनकी मदद से हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लगातार होने वाली ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी, सर्दी, जुकाम, इस तरह के प्रॉब्लम से उनको बचा सकते हैं। कोशिश करें एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली अपने बच्चों के साथ आप भी ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह हम सब के लिए उतना ही लाभदायक है।